हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से ही राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ दिवाली स्पेशल एक और रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे आलू भुजिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 6 मीडियम साइज के आलू को बॉइल करके ले लिया है। हमारे आलू पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी हम आलू से कोई भी रेसिपी बनाते हैं, उनको पूरी तरह से ठंडा करके ही यूज़ में लेना चाहिए। अब हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखो, हमने आलू को एकदम बारीक ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से हम सभी आलूओं को अच्छे से ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। ग्रेट करना ज़रूरी है। आप इनको मिक्सी के अंदर भी पीस कर तैयार कर सकते हैं, पर ध्यान रहे मिक्सी में पीसते टाइम इसके अंदर पानी नहीं डालना है। अब इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाला है, ये एकदम से ऑप्शनल है, आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर हमने सफ़ेद मिर्च डाली है। 1/4 चम्मच इसके अंदर हम काला नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर हमने हींग डाली है, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच इसके अंदर हमने अमचूर डाला है। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप इसके अंदर नींबू का सत्त भी डाल सकते हैं या नींबू डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच इसके अंदर हमने गरम मसाला डाला है। अब इसके अंदर हम टोटल 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। ऑयल डालने के बाद में हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। बाद में इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अब इसके अंदर हम 3/4 कप के लगभग बेसन डालेंगे। ये घर का पिसा हुआ है, आप मार्केट वाला भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं बेसन बाद में। बेसन को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है और हमारा एकदम से सॉफ्ट डो बन के तैयार हो चुका है। एक बार इसे फिर से अच्छे से मसल लेंगे, ताकि ये स्मूथ डो बन के तैयार हो जाए। अगर आपका डो हल्का पतला रह गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। वैसे इसका डो हल्का पतला ही होता है, ताकि इसके अच्छे से नमकीन बन पाए। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, ताकि ये अच्छे से इकट्ठा हो पाए और ये प्लेट को भी अच्छे से छोड़ दे और हमारे हाथों के भी ये नहीं चिपकेगा बाद में। अगर आप हमारे चैनल की और भी दीपावली स्पेशल या राजस्थानी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें, या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हमने यहाँ भुजिया मेक कर लिया है। इसके अंदर अलग अलग ब्लेड्स होती है, जिस साइज़ का आप भुजिया बनाना चाहते हैं वो साइज़ की ब्लेड आप इसके अंदर लगाकर बना सकते हैं। हम इस साइज़ का यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर हम सेट कर देंगे। अब इसे हमें अच्छे से बंद करके अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में इसे हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करना ज़रूरी है, वरना डो हमारा इसके अंदर चिपक जाएगा। अब हमने 1/2 डो ले लिया है, उसे सिलेंडर शेप में अच्छे से बेल लेंगे। अच्छे से सेट हो जाने के बाद में हम इसके अंदर अच्छे से भर देंगे। इसे पूरी तरह से नहीं भरना है, आधा इसे थोड़ा सा ऊपर से खाली रखना है और ऊपर से अब इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे और हल्का हल्का जैसे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से नमकीन निकलने लग जाएगी। हमने तेल को अच्छे से गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया है। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। इसे अब चेक कर लेते हैं। देखो, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। मशीन को हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसके अंदर नमकीन निकाल कर अच्छे से डाल लेंगे। एक साथ में जितनी नमकीन हम डाल सकते हैं उतनी इसके अंदर हम डाल लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर हमें मीडियम से थोड़ा हाई रखना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर आप इसे ठंडे तेल के अंदर डालेंगे तो इसको सिकने में भी टाइम लगेगा और इसके अंदर थोड़ा ऑयल रह जाएगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है।
थोड़ी देर के अंदर ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भुजिया तेल के अंदर डालने के बाद में इसे तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ी देर इसे पकने देंगे। देखो इसके अंदर जो बबल्स थे वो कम हो गए हैं, अब इसे हम पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से सिककर तैयार हो जाए और इसे हम थोड़ी देर के लिए फिर से पकने देंगे। इनके जैसे ही बबल कम हो जाएंगे और हल्का गोल्डन हो जाएगा उसी टाइम हम इनको निकाल लेंगे। इन्हें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह हम बाकी के सभी भुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे, पर ध्यान रहे हर बार हमें तेल का टेम्परेचर का ध्यान रखना है, मीडियम टू हाई रखना है। आप इन भुजिया को एयरटाइट डब्बे में डालकर लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। लो जी, हमारे आलू भुजिया बनकर तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, देखो कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।